ये गाय दूसरे मवेशियों के साथ चरने गई थी। इस गर्मी में लंबे समय तक पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से ये गिर गई। अब ये मर भी सकती हैं, जबकि वो गर्भ से थी। पाकिस्तान का रेगिस्तानी इलाका चोलिस्तान, जहां तापमान पिछले कुछ दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सूखे की वजह से यहां का भूजल महीनों पहले ही सूख चुका है। मवेशियों के लिए चरने वाले हरे भरे मैदान भी कम होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मवेशियों को अब चारे के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और सभी मवेशी ये दूरी तय नहीं कर पाते हैं। जब मवेशियों के लिए चारा होता है तो पानी नहीं होता। वो सर्दियों में लंबी दूरी तय करके जिंदा रह सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं। और इस गर्मी में इतनी यात्रा के बाद जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो कमजोर मवेशी गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये रहीम यार खान जिले के चोलिस्तान रेगिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर का कलार वाला गांव है। चोलिस्तान के बाकी लोगों की तरह यहां के लोगों की भी आजीविका मवेशियों पर निर्भर है, इसलिए वो इन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन इन्हें जिंदा रखने के लिए पानी और खाने की जरूरत होगी, वो भी एक ही जगह पर। लेकिन समस्या ये है कि मवेशियों के लिए जहाँ पानी है वहाँ चारा उपलब्ध नहीं है। चारा खोजने के लिए उन्हें 30 से 40 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में जाना पड़ता है। लोग यहाँ इन टंकियों में कुएं का पानी जमा करते हैं, लेकिन ये पानी इंसानों के पीने लायक नहीं है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वो उन्हें टैंक के जरिए साफ पानी मुहैया करा रही है, लेकिन उनका आरोप है कि टैंक का पानी भी कुएं के पानी जैसा खारा होता है। सरकार यहाँ एक घर में सिर्फ एक ही टैंकर उपलब्ध कराती है, लेकिन उसमें खारा पानी दिया जाता है जिसे जानवर भी नहीं पी पाते। हमारे बच्चे इस पानी को पीने को मजबूर हैं। क्या ऐसे पानी पीकर वो बीमार नहीं हो जाएंगे? मैं इसको चेक करवा लेता हूँ, मेरे नोटिस में नहीं है, क्योंकि बाउजर जो है ना वो ड्रिंकेबल वाटर ले जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने उन्हें ये कहा हो कि एनिमल के लिए हमें दे दें। नवान खूब पाकिस्तान भारत की सीमा के करीब बसा एक गांव है। यहाँ घर कम है लेकिन मवेशियों की तादाद सैकड़ों में है। इस बार की भीषण गर्मी में महज 15 दिनों में मोहम्मद सिद्दीकी की 70 से ज्यादा भेड़ें मर गईं। इधर ज्यादा गर्मी हो गई ना, तापमान बहुत अधिक होता है और मवेशी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये मुंह खोलकर जोर से सांस लेते हैं। इस तरह भीषण गर्मी से इनकी मौत हो जाती है। हमारे पास भगवान की ओर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुएं से खारा पानी आता है। जब कोई उपाय नहीं बचता हम तभी इसे पीते हैं। 15 साल पहले सरकार ने चोलिस्तान में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन परियोजना शुरू की थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न को प्रभावित करना जारी रखता है और आने वाले सालों में तापमान में बढ़ोतरी जारी रहती है तो 13 लाख मवेशियों वाले चोलिस्तान के 20 लाख से ज़्यादा लोग जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। राजस्थान का जिला जैसलमेर, इन दिनों ये पूरा खित्ता शदीद गर्मी की जद में है। इस बार शदीद गर्मी की लहर अप्रैल से शुरू हो गई। ये रेगिस्तानी इलाका है, आम दिनों में भी यहाँ पानी की किल्लत रहती है। इन दिनों पानी हासिल करना एक सख्त जद्दोजहद है। कम कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक गांव है लंबा, वहाँ से ये लेने के लिए सब औरतें पूरे दिन चलती रहती ये पानी के लिए पूरा दिन। जैसलमेर का पूरा खित्ता शदीद गर्मी की जद में है। यहाँ जिंदगी इंतहाई मुश्किल है। राजस्थान का जैसलमेर जिला इंडिया के सबसे गर्म इलाकों में है। यहाँ मई जून में टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री के दरमियान रहता है और कभी कभी तो ये 50 डिग्री को भी छू लेता है। इस वक्त 12:30 यहाँ बजे हैं और टेम्परेचर इस वक्त 49 डिग्री दिखा रहा है। ये खबिया गांव है और ज़्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं। यहाँ की रेतीली ज़मीन तप रही है और सूरज आग उगल रहा है और गर्म लू के थपेड़े ज़िंदगी को यहाँ इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। ये 60 होगी, 60-70।
चलना पड़ता है। जी जी। कितनी दूर तक आप ले जाते हैं और कहाँ पे इनको खाना सर है? तो कम से कम 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। जैसलमेर के दही इलाकों में जिंदगी मवेशी परवरी और खेती पर मुनासिर है। पानी न होने से जमीन सूखी पड़ी है। सख्त गर्मी में मवेशियों की हालत इंसानों से भी बुरी है। चल भी नहीं सकेगा, ऐसी गर्मी होती है, इतना रेत गर्म हो जाता है। इतनी बकरी भी चलती है तो मतलब ऐसे फटक जाती है, सांस इनकी भी उठने चालू हो जाती है, फिर पेड़ की छाया में घुस जाती है, भूख भी मरती है, साथ में इनको खाना भी पड़ता है और छाया भी जरूरी है। बेशतर तालाब सूख चुके हैं, पेड़ पौधे धूप की शिद्दत में जल गए हैं, गाय बकरी भेड़ बेचैन हैं और पानी की तलाश में मारी मारी फिर रही हैं। माहौलियाती तब्दीली से यह खत्ता अब पहले से भी ज्यादा गर्म होने लगा है। बारिश घटती जा रही है। बड़े पैमाने पर जगह जगह पत्थरों की खुदाई से पानी का कुदरती निजाम भी बिगड़ गया है। जगह जगह पत्थरों की खुदाई हो चुकी है, वहाँ जहाँ देखो वहाँ पानी है, उसको रोका नहीं। थोड़ा बहुत भी बारिश होती थी, इन खेतों में पानी आ जाता था, मई जून का महीना इन पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती थी। अब वो पानी पूरा धीरे धीरे रुक रहा है। हुकूमत ने पानी के लिए दही इलाकों में पाइप बिछाए हैं, लेकिन वो गर्मी की शिद्दत से अक्सर जगह जगह फट जाते हैं और नाकाफी हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं हो रहे जहाँ बाकी का देश पहुँच चुका है। और आज भी हमारे गांव में बहुत सी बेसिक समस्या, जैसे पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता है, बरसात नहीं होती है तो जो तालाब वगैरह वो भी खाली हो जाते हैं, फिर तो और भी ज़्यादा समस्याएँ पैदा हो जाती है। माहौलियाती तब्दीली से इस खत्ते में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। बारिश की कमी ने माहौल को और भी सख्त कर दिया है। बरतानिया के महकमे माहौलियात ने वार्निंग दी है कि आने वाले दिनों में जैसलमेर और उसके अतराफ के जिला में गर्मी की शिद्दत और भी बढ़ेगी।